आगे हम बढ़ते हैं हमारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। एग्जाम के ऊपर क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो टोटल चार यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारे पास में है। एक कम ऑन जल्दी जल्दी कम ऑन, बी फास्ट एंड बी क्विक। अभी हम लोग बहुत महत्व, ये वन शॉट पूरा फंक्शन लेने वाले, 16 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जो जो पढ़ा रहा हो ना ध्यान से पढ़ के जाना, इसी तरीके के क्वेश्चन कल के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन के चारों टाइप यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ। कम ऑन चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करो, बी फास्ट एंड बी क्विक प्लीज टाइप एफ फॉर फंक्शन इन द चैट बॉक्स। दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल बाय वैल्यू, फिर इसके बीच में पॉइंटर सिखाऊंगा, फिर कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस के लिए पॉइंटर आना चाहिए रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फंक्शन का टॉपिक क्लोज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम जुड़े रहिए, एकदम फास्ट फास्ट ट्रैक पे लेने वाला हूं। तो पूरा कंप्लीट अटेंशन, कंप्लीट फोकस चाहिए और चैट बॉक्स में कंप्लीट रिप्लाई चाहिए, क्योंकि रिप्लाई देखूंगा तुरंत आगे बढ़ूंगा, रिप्लाई देखूंगा तुरंत आगे बढ़ूंगा। ठीक है, वी टू वी का लॉन्ग फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म। वी टू वी का फुल फॉर्म है विजन टू विक्ट्री क्लासेस। विजन टू विक्ट्री क्लासेस, वी डिजायर टू टेक यू फ्रॉम विजन टूवर्ड्स योर विक्ट्री। तो आपके विक्ट्री तक लेके जाने का काम हम करेंगे बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए बी टू वी। एंड यस, अगर आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए ये वीडियो को एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। हम लोग चालू करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन। फंक्शन का सबसे पहला टॉपिक हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन के कितने सारे टाइप्स है ये हम देखने वाले। तो टोटल चार टाइप है दोस्तों, चार टाइप है हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन के। तो चलो जल्दी शुरू करते हैं। एग्जाम में आपको पूछेंगे एक्सप्लेन फोर टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो चारों टाइप आपको लिखने और चारों में से किसी एक प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना है चार मार्क के लिए। अगर छह मार्क के लिए पूछा तो चारों प्रोग्राम लिखने, और ये चारों प्रोग्राम एकदम ईजी है। अगर पहला प्रोग्राम आया, पहला टाइप आया तो दूसरे का 50% हो जाएगा, दूसरा आया तो तीसरे का 50% हो जाएगा, पहला तीन आया तो चौथा पूरा हो गया समझ जाने का। सो नाउ आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट। पहला यहाँ पे फंक्शन विद क्या बोला है, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। देर आर टोटल फोर टाइप्स, पहला है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो दोस्तों फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, हमारा जो फंक्शन होता है ना जैसे एबीसी फंक्शन है, उसका ब्रैकेट अगर खाली है तो हम बोलेंगे नो आर्ग्यूमेंट, ये खाली है। या तो ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा, वॉइड लिखा, वॉइड मतलब क्या ब्लैंक, वॉइड मतलब क्या नल। तो फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट मतलब उसका ब्रैकेट कैसा रहेगा, खाली रहेगा। फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बोला इसका मतलब उसका ब्रैकेट कैसा रहेगा, खाली रहेगा। आगे फंक्शन विद नो रिटर्न वैल्यू बोला, नो रिटर्न मतलब ये फंक्शन के सामने भी मैंने क्या लिख दिया, वॉइड लिख दिया, मतलब ये फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। वॉइड मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता। नो आर्ग्यूमेंट मतलब इसका ब्रैकेट के अंदर वॉइड लिखो या ब्रैकेट खाली रखो। नो रिटर्न वैल्यू मतलब ये फंक्शन के आगे क्या लिख दो, वॉइड लिख दो। समझ में आया क्या, जल्दी जल्दी देखो यहाँ पे। अभी पहला टाइप हम लोग करने जा रहे हैं फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। सबसे पहला हैश इंक्लूड एसटीडीआई डॉट एच हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद में इंट मेन, ये आई स्मॉल आएगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है नोट्स के अंदर। डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, अब जैसे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया वो यहाँ पे नीचे आएगा। देखो ये फंक्शन को कैसा लिखा है, ये void का बीबी स्मॉल है, void डिस्प्ले ब्रैकेट के अंदर void। तो मेरे फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले है। अब यहाँ पे मैंने लिखा int a कोमा b कोमा c, तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया a कोमा b कोमा c। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना रखा 2, b का वैल्यू कितना रखा 5। अब यहाँ पे c इज इक्वल टू a प्लस b, मतलब c का वैल्यू कितना हो गया 7। अब क्योंकि मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता, यहाँ पे लिखा है ना void, void मतलब हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंट डी, और जो भी सी का वैल्यू है 7 वो ये परसेंट डी के बदले में प्रिंट होएगा। तो जब मैं ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये इतने सारे काम एक साथ हो जाएंगे, उसके बाद में कर्सर यहाँ पे आएगा, रिटर्न जीरो, प्रोग्राम खत्म। मतलब यहाँ पे ये फंक्शन ने कैसे काम किया, मेन के अंदर गया, देखा सबसे पहला डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, तो देखेगा कि भाई डिस्प्ले फंक्शन का काम क्या है। नीचे देखो int a कॉमा b कॉमा c, a का वैल्यू 2 सेट करना, b का वैल्यू 5 सेट करना, c इज इक्वल टू a प्लस b एडिशन करना, और फिर c के वैल्यू को प्रिंट करना। ये काम करके देगा डिस्प्ले फंक्शन जब मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगा। अगर मैंने डिस्प्ले फंक्शन को एक बार कॉल किया तो ये एक बार 7 प्रिंट करके देगा, डिस्प्ले फंक्शन को दो बार कॉल किया तो दो बार 7 प्रिंट करके देगा, डिस्प्ले फंक्शन को 10 बार कॉल किया तो 10 बार 7 प्रिंट करके देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड फंक्शन विद नो रिटर्न वैल्यू। अगर पहला टाइप समझ में आया है, फर्स्ट टाइप समझ में आया है, तो प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। कम ऑन प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। कम ऑन बी फास्ट एंड बी क्विक।
टाइप करो वन इन द चैट बॉक्स अगर पहला टाइप समझ में आया है। कम ऑन,